एक कविता के माध्यम से आप सभी को मैं कहना चाहूंगी कि ये उपचुनाव है और भारी से भारी मात्रा में हमारे आदरणीय सुधाकर सिंह जी को विजय भव बनाइएगा 5 तारीख को, साइकिल वाला बटन दबाकर, क्योंकि बाहरी को भगाना है, अपने बेटे को जिताना है। और ये भारतीय जनता पार्टी से डरने की आवश्यकता नहीं है, आपकी ये बहन किसी से डरती नहीं है। और आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि हम डरते नहीं है तुम्हारी एक कमल की दो डंडियों से, हम बिकते नहीं है तुम्हारे चुने हुए घमंडियों से, हम समाजवादी है, हम डरते नहीं है तुम्हारी एक तानाशाही की दो तलवारों से, हम झुकते नहीं है तुम्हारी जुमलाबाजी और अत्याचारों से। नफरत फैलाकर तुमने धर्म हमारा बांटा है, अरे जालिम उस देश को बर्बाद कर रहे हो जिस देश का तुम अन्न खाते हो। तुम याद करो तानाशाही से तुमने लहू कितना बहाया है, नया नया कानून लाकर कोना कोना जलाया है। तुम याद करो मनमानी से तुमने लहू कितना बहाया है, बुलडोजर चलवाकर घर घर जलाया है। तुम याद करो महिला सुरक्षा का वादा क्या तुमने निभाया है, नामांकन करने जा रही महिला का तुर चीर तुमने निचवाया है। अरे नराधमो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वालों कान खोल कर सुन लो, घोसी में कभी की कमल चिन्ह का नामो निशान नहीं होगा। नेता तो होगा लेकिन झूठा जुमलेबाज और बेईमान नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और इतने सुंदर सुंदर चेहरे आए, मैं आप लोगों के लिए कहना चाहती हूँ कि यूं ही सज धज के हमें सुनने आया करो, पर बिजलियां ना हमारे दिलों पर गिराया करो। बात मानो, नजर लग जाएगी आपको, हर किसी से नजरें न मिलाया करो। और बेहूदी में बेखुशी में नजर मिल भी जाए तो घर जाकर नींबू मिर्ची से अपनी नजर उतारा करो। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।